क्यों क्यों तुमने से नफरत नहीं प्रेम कर दिए पगले? देखा अपना ऑटो है नहीं, तुम बता अपना ऑटो को देखे वापस शॉप के वापस आ गया वाइट। हाँ हम फिर आ गए हैं, हम वापस लोडिंग है। आप बोलने हाँ काट दिया एक्शन। हाँ हम तो फिर आ गए। कहाँ कहाँ गए? खाली खाली रूम था बस। अच्छा ओके एंड एक्शन। हाँ हम फिर आ गए हैं। और कहा कहा हीरा जी हमसे प्रेम करती है, नफरत नहीं। अगर वो हमसे प्रेम करती तो कल वो पार्टी में हमें इतनी बेइज्जती काहे करती? कैसे कैसे एक नंबर के चौपड़ इंसान हो तुम, इतनी भी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? अरे वहाँ पे वल्लभ चाचा तुम्हारे पैरों में घुंघरू पहना कर तुमसे नाच करा कर तुमने ठुमको का सबके सामने चलती गया, तुमने ठुमको से सबके सामने प्रदर्शन करवाना चाहते थे समझे? और तुम्हारा यही अम्बान तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए हीरा जी ने माम और अम्मा को वहाँ पे बुला लिया। अब दिमाग में आई बस, तुम्हारे अपमान से बचाव करने के लिए उन्होंने तुम्हारी इज्जत निकाली ताकि तुम गुस्से में आओ और वहाँ से निकल जाओ, आप समझे? और तुम पे ही नक्शनिया बनने की नौबत ना आए। अभी ये प्रेम नहीं है तो और का है पगले? ने किया वो। अब सही लाइन पे आए हो पगले। और तुम क्या करने चले थे हड़बड़ी में? ये रिश्ते का अंत करने चले थे तुम? अरे आप अरे खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अब जाओ यहाँ से और जल्दी से ये बात सोचो कि अब हीरा जी कोर्ट में जाओ। कोर्ट ओ अब खड़े खड़े इधर सोच क्या रहे हो? अब जल्दी से जाओ और ये सोचो कि अब हीरा जी को फिर से कैसे हासिल करना है, समझे? और सुनो यही राइट चॉइस है बेबी।